नमस्कार, पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो हमारे एग्जाम आ रहे हैं, IBPS PO का आ रहा है, क्लर्क का आ रहा है, RRB का आ रहा है, उसमें जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग कंप्यूटर के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे कि इनका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे चीज़ों का आप लोगों को तैयार करना है। आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में तीन चीज़ें मेनली अपन लोग पढ़ने वाले हैं। GA के सिलेबस के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों की, क्या क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि बहुत बड़ा है सब कुछ, बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए। तो एक लिमिटेड एडिशन में क्या क्या पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, तो वो सारी चीज़ें होंगी। साथ में ही जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसको भी हम लोग पूरा डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है और जनरल अवेयरनेस के नोट्स कैसे बनाने, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तब जाके कहीं जो IPPB PO आएगा, RRB आएगा, तब तक आपके नोट्स तैयार होंगे और आप तैयार होंगे जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सिलेक्शन देने वाला ये सेक्शन है। दोस्तों, जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस बताता हूँ। जनरल अवेयरनेस हर एग्ज़ाम के मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। रीजनिंग आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपका क्वांट टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर जनरल अवेयरनेस आपको आता है तो 10 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे और सारे के सारे मार्क्स 100% आपके सही होंगे। कोई किंतु नहीं, कोई गलती के चांसेस नहीं, अगर आपको पता है तो कोई गलती के चांसेस नहीं, जीरो एरर। तो इस तरह से GK को अपनी एक वेपन बना लीजिए, अपना एक हथियार बना लीजिए तैयारी करने के अंदर। तो अभी हम पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कंप्यूटर का और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बताऊँगा, उसके बाद में मैं खुद के जो नोट्स हैं मैं कैसे को तैयार करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे जनरल अवेयरनेस के आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग से 5 से 8 क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जाते हैं। एक ओवरव्यू लेके चल रहे हैं अपन सारे एग्जाम्स के, कोई पर्टिकुलर एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंस आपको पता चल जाएगी कौन सी। बैंकिंग से 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, कौन सा बैंक ने कौन सी ऐप लॉन्च की है, कौन से बैंक ने कोई नई सुविधा लॉन्च की है, कोई नई फाइनेंस स्कीम लॉन्च की है, या फिर कोई कस्टमर के लिए नई सर्विस लॉन्च की है, तो ये सारी चीज़ें बैंक से रिलेटेड करंट अवेयरनेस में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों से 3 से 5 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे कहीं का इंटरनेशनल लेवल पे अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड बैंक का जैसे कोई नया चेयरमैन बनाए, नया प्रेसिडेंट बनाए, या फिर किसी देश का कोई नया प्राइम मिनिस्टर बना है, नया प्रेसिडेंट बनाए, तो वहाँ की जो न्यूज़ होती है वहाँ के न्यू अपॉइंटमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो बैंक्स के अपॉइंटमेंट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बैंक का चेयरमैन चेंज हो गया, किसी बैंक का डायरेक्टर चेंज हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी अपन लोगों को न्यू अपॉइंटमेंट्स में देखनी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स की, जैसे कोई सम्मेलन होता है, कोई समिट्स होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है, 3 से 4 क्वेश्चन। तो आपको अगर सिलेबस का आइडिया होगा तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाली न्यूज़ मेरे काम की है और ये वाली न्यूज़ मेरे काम की नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर तो पता नहीं हज़ारों न्यूज़ से भरा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे काम की कौन सी न्यूज़ है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस और एक आइडिया होना चाहिए कि हमें क्या क्या वहाँ से कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाने हैं। इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज़, बिजनेस और इकोनॉमी का न्यूज़ का मतलब है कि जैसे कोई कंपनी को किसी ने मतलब पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया, ठीक है, पूरा खरीद लिया, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट ने मंत्रा को खरीदा था, या फिर और कोई मतलब कहीं पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया किसी कंपनी में, किसी कंपनी ने कोई बहुत ही अच्छी सर्विस लॉन्च की है, तो वो सारी चीज़ें बिजनेस न्यूज़ के अंदर आ जाती हैं। किन्हीं दो कंपनियों ने आपस में किसी सर्विस के लिए कोलैबोरेशन किया है तो वो भी इकोनॉमी न्यूज़ में ही आ जाता है। स्पोर्ट्स में आपके 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, करंट जो इवेंट्स हो रहे हैं स्पोर्ट्स के वो आप लोगों को देखने हैं। जब आप पेपर पढ़ते हैं तो जब आप स्पोर्ट्स का पेज निकालते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सी सीरीज चल रही है, किसका फाइनल हुआ है, किसका रिजल्ट हुआ है, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला है, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखनी है। मतलब मेन जो पॉइंट होते हैं ना स्पोर्ट्स के, ये वाला कोई सीरीज चल रहा है तो इसमें किसने खिताब जीता, ठीक है, ये वाली सीरीज़ कहाँ पे हो रही है, ये वाले इवेंट कहाँ से हो रहे हैं, जैसे अभी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट ओडिशा में होने वाला है तो उसके बारे में आने वाले एग्जाम्स में न्यूज़ पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्पोर्ट्स की जो करंट न्यूज़ है वो कैसे आपको नोट्स बनाने, क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको नोट्स में बताऊँगा। अभी सिर्फ अपन लोग सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स और ऑनर्स जो दिए जाते हैं उनके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक, यहाँ पे 1 मैंने लिखा हुआ है लेकिन मैं बोलूँगा 1 से 2 क्वेश्चन।
क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक यहाँ से पूछता क्या है, हेडक्वार्टर पूछता है, हेडक्वार्टर पूछता है इंटरनेशनल हो गया, वर्ल्ड बैंक का पूछ लेगा, यूनेस्को का पूछ लेगा, बैंक्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूछ लेगा, इंडियन बैंक का पूछ लेगा कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। तो वहाँ से एक से दो क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती है, कई बार बैंक भी आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं, ज़्यादातर दोनों ही आते हैं। और कई बार क्या होता है, सिर्फ एक ही पूछ लेता है, या तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है या बैंक पूछ लेता है। डेज, डेज का मतलब है जैसे डिफरेंट डेज होते हैं, आर्मी डे हो गया, डॉक्टर्स डे हो गया, या फिर और कोई डे हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट डे हो गया, ये सारी चीज़ें। ये भी कब से कब तक, दो महीने पहले का एग्ज़ाम से और दो महीना एग्ज़ाम के बाद का, बस चार महीने के ही डेज याद करने से नहीं, 12 महीने में से कहीं से पूछ लेगा नहीं, चार महीने के ही पूछेगा। ये जो सारी न्यूज़ है ना, लगभग ये 3 मंथ्स के अंदर अंदर ही पढ़नी है अपने को, 6 महीने में नहीं जाना है, 6 महीने में वो 50 में से 3 या 4 क्वेश्चन पूछेगा और बाकी सारे क्वेश्चन 3 महीने के अंदर के ही पूछेगा। तो सिर्फ आपको 3 महीने का ये वाला जीके और जो 4 महीने का डेज है एग्जाम से, 2 महीने पहले का और 2 महीने बाद का, ये सारी चीज़ें देखनी है। मिसलिनियस की अगर अपन लोग बात करते हैं तो कंट्री एंड करेंसी, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन। अब कंट्री एंड करेंसी तो बहुत हैं, कितना याद रखोगे, तो उसके लिए क्या है, लास्ट के जो 3 महीने हैं एग्जाम्स में, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री न्यूज़ में रही हैं, उसी का कैपिटल याद करना है, उसी की करेंसी याद करनी है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी 4 कंट्रीज़ के अंदर विजिट करने के लिए चले गए, तो उन 4 कंट्रीज़ के आपको कैपिटल, उनकी राजधानी, इसका मतलब करेंसी यानी कि वहाँ की करेंसी क्या है, वो आप लोगों को याद रखनी है। ऐसे करके पिछले 3 महीने में 30 से 40 जो कंट्री न्यूज़ में रही है मेनली, उनको आप लोगों को याद करना है। और ये कैसे आप इसके नोट्स बनाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। CM और गवर्नर, स्टेट के जो CM होते हैं और गवर्नर जैसे जैसे चेंज हो जाते हैं, उनके ऊपर जरूर से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। हेडक्वार्टर्स में मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, हेडक्वार्टर पूछता है। डे के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब अगर अपन बात करें डांसेज, डैम और पावर प्लांट्स, नया अगर कोई पावर प्लांट न्यूज़ में है तो वो तो डेफिनेटली ही एग्ज़ाम के अंदर आएगा। और डैम्स और डांसेज ये स्टैटिक GK के अंदर आ जाता है सारा, कितने पावर प्लांट हैं इंडिया के अंदर, कौन सा सबसे बड़ा पावर प्लांट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर जनरेट होती है, ऐसे सारे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। इनके नोट्स वगैरह भी हम आने वाले टाइम में प्रोवाइड करवाएंगे, अभी के लिए मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ और ये बताऊँगा कि आपको नोट्स कैसे तैयार करने हैं 2017 के आने वाले IBPS PO, क्लर्क और बाकी जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे RRB के ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल का भी एग्ज़ाम आ रहा है। बुक्स एंड ऑथर, दोस्तों नए नए बुक्स क्या पता कितने निकलते रहते हैं और कितने ही ऑथर आते रहते हैं, कितनी बुक्स निकलती रहती है, कहाँ तक याद करोगे, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कौन सी बुक्स और कौन से ऑथर से याद करें। जो फेमस पर्सनैलिटी है अगर उन्होंने कोई बुक लिखी है तो वो याद करनी है। अगर किसी बुक के इनोग्रेशन में कोई फेमस पर्सनैलिटी पहुँचे, से राष्ट्रपति पहुँच गए, कोई फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुँच गया, तो उनकी बायोग्राफी रिलीज हो रही है या फिर वो शिरकत कर रहे हैं, इनोग्रेट कर रहे हैं उस बुक के लॉन्च को, तो उनको आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना है, सारे के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही आप लोगों को याद करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में 2 क्वेश्चन जरूर से आते हैं, जितने भी 6 महीने में गवर्नमेंट स्कीम में बताया, तो आपको 2 महीने 3 महीने नहीं 6 मंथ्स में जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स को आपको डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा, डिटेल के अंदर पूरा का पूरा। समिट ऑपरेशंस एंड कमेटीज़, जैसे कोई भी इश्यू हो जाता है नेशनल लेवल के ऊपर, उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई जाती है कि ये कमेटी पूरी जाँच करेगी और इसका पूरा जो कंक्लूजन होगा वो कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगी। अब इसके अंदर क्या होता है, एक कमेटी का एक अध्यक्ष होता है, उसके नाम पे ही कमेटी बना दी जाती है, तो उसका नाम मेनली पूछा जाता है कि ये वाली जो कमेटी है जस्टिस लोधा कमेटी किस चीज़ के ऊपर बनी हुई है, तो ये सारी चीज़ें कमेटी में पूछता है। ऑपरेशंस का मतलब है कि कोई 2 कंट्री मिलके कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं या फिर और कुछ कर रही हैं, कुछ ऑपरेशन हुआ है कहीं पर, कोई मिलिट्री एक्शन हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर पूछ लेता है। GDP प्रेडिक्शन, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वो गवर्नमेंट भी करता है, RBI भी करता है, GDP प्रेडिक्शन करते हैं कि इस टाइम पे इतना है और अगले साल इतना रहेगा और अगले 5 साल बाद में इतना रहेगा, ये GDP प्रेडिक्शन आते रहते हैं टाइम टू टाइम, ये आपको न्यूजेज में मिलते रहेंगे, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर से पूछ लिया जाता है। रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस ऑफ इंडिया, रैंकिंग पूछता है, जैसे कि करप्शन इंडेक्स आ गया तो उसमें इंडिया की क्या रैंक थी, बाकी हेल्थ इंडेक्स आ गया उसमें इंडिया की क्या रैंक थी, जैसे फोर्ब्स मैगजीन हो गई, फॉर्च्यून मैगजीन हो गई, ये सारे क्या करते हैं, रैंक्स निकालते हैं, उसमें टॉप किसने किया है,
टॉप किसने किया है और इंडिया की रैंक क्या है, यही दो चीज पूछता है वो, बाकी कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, डिफेंस मतलब मिलिट्री से रिलेटेड कोई न्यूज, आर्मी से रिलेटेड कोई न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेनली नासा इसरो से रिलेटेड कोई न्यूज आती है, उन्होंने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, उन्होंने कोई रॉकेट बनाया है, इन सारी चीज़ों के बारे में वो पूछता है। ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हो गया। अब इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कैसे याद करना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और नोट्स कैसे बनाने हैं, एक बार आपने अपने खुद के नोट्स बनानी है एग्जाम के लिए, तो इस बार की जनरल अवेयरनेस में आपको कोई नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अगर आपने तरीके से नोट्स लिख लिए, तरीके से जीके को कलेक्ट कर लिया, तो आपके पास पढ़ने के लिए मटेरियल हो जाएगा। जिस टाइम पे बाकी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि मैं क्या पढ़ूं, उस टाइम पे आपको पता रहेगा कि मैंने एक कॉपी खुद ने बनाई है और मैंने पढ़ा हुआ भी है इसमें से, और अब मैं इसको रिवाइज कर लेता हूं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अपन लोग कंप्यूटर का सिलेबस और साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों कंप्यूटर को मैंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लगभग बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर। फंडामेंटल्स, एमएस ऑफिस, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीवेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड शॉर्ट कीज, यहाँ से ही आपके 16 से 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद में इंटरनेट, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिसलिनियस में से 3 से 4 मार्क्स आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये 1 से लेके 5 तक के जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एमएस ऑफिस के बारे में पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इनकी सारी शॉर्टकट्स आपको पता होनी चाहिए, इनके सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फंडामेंटल्स के अंदर जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, आपस में रिलेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म्स में आपको फुल फॉर्म्स पूछता है, जैसे सिंपल अगर अपन बात करें रैम, रोम, ऐसे ही बाकी बहुत सारी फुल फॉर्म्स होती हैं, उनके बारे में आपको पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब है कुछ टर्म्स जो अपन कंप्यूटर की भाषा में यूज में लेते हैं, वो टर्म्स के बारे में पूछ लेगा कि इसका क्या मतलब है। शॉर्ट कीज मैंने बताई दिया कि एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी शॉर्टकट कीज होती हैं, सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल पी दबाते हैं पेस्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ें अपन लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये सारा कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। अब बात आती है जीए और कंप्यूटर को तैयार कैसे करें। तो ये रहे नोट्स। एक आपको सबसे पहले इंडेक्स तैयार करनी है, ठीक है, इंडेक्स तैयार करनी है कॉपी के अंदर। उसमें आप लोगों को सीरियल नंबर, टॉपिक और पेज नंबर ये डालने हैं। सारी चीज़ें पेज नंबर से करनी है, क्योंकि जब भी आपको जो भी पढ़ना हो फटाफट निकाल लें। अब जैसे ही आज आपने न्यूज़पेपर खोला या फिर जो भी वेबसाइट वगैरह से जहाँ से भी आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं वो आपने खोली, वहाँ पे आपको 20 न्यूज़ मिल गई आपके काम की, उनको कैटेगराइज कर लीजिए, उनको कैटेगराइज कर लीजिए। बैंकिंग ऐप हो गया, बैंक ने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, बैंक वेब पोर्टल हो गया, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स में जितने में डिवाइड कर सकते हो पूरे जीके को डिवाइड कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोग्राम हो गए, इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ मैगजीन्स हो गई, स्टॉक एक्सचेंज न्यूज़ हो गया, जितने पार्टों में जैसे कमेटीज़ हो गया, जितने पार्टों में ये नोट भी कर सकते हैं आप यहाँ से देख के, जितने पार्टों में आप न्यूज़ को डिवाइड कर सकते हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड करते जाइए, और आज की न्यूज़ के उस सेक्शन में लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद में 3 या 4 पेज खाली छोड़ दीजिए। अगले दिन किसी दिन वहाँ की न्यूज़ आएगी तो उतने नंबर पेज नंबर निकालिए। जैसे आपने 1 तारीख को कोई न्यूज़ पढ़ी, वहाँ पे आपको एक न्यूज़ मिली बैंक ऐप की, तो आपने बैंक ऐप के अंदर लिख दिया कि ये वाली बैंकिंग ऐप इस बैंक ने रिलीज की है, ठीक है, आपकी न्यूज़ बन गई वहाँ पे। उसके बाद में आपने एक पेज खाली छोड़ दिया, बाकी न्यूज़ भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उनमें लिखते गए। आपने 5 तारीख को फिर से एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें फिर से एक नया बैंक ऐप रिलीज हो गया, तो फिर से आपने बैंक ऐप वाले पेज पे जाके ऐड कर दिए एक बैंक ऐप और। उससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि ये वाली कमेटी किसने, नहीं तो आज एक कमेटी लिखी है 10 दिन बाद दूसरी कमेटी लिखोगे दूसरी जगह पे तो कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये वाली कमेटी किसके लिए थी, ये वाली किसके लिए थी। लेकिन अगर आपने एक जगह कैटेगरी वाइज सारा जीके लिख दिया, जैसे मैंने इंडेक्स आप लोगों को बताई है, सिंपल पेज वाइज अगर आपने अच्छे से लिख दिया, तो उसके बाद में जब आप एंड में रिवाइज करेंगे, टाइम पे रिवाइज करेंगे, उस टाइम पे आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। कैटेगरी वाइज सबको डिवाइड कर लीजिए, जितनी ज़्यादा कैटेगरी आप बना सकते हैं उतनी ज़्यादा कैटेगरी बना दीजिए। जैसे मैंने नासा, इसरो और स्पेस न्यूज़ की अलग ही कैटेगरी बना दी, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड की अलग ही कैटेगरी बना दी, नेशनल लेवल के अवार्ड की अलग ही कैटेगरी बना दी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के लिए अलग कैटेगरी बना दी, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट एक पेज पे, कंपनी अपॉइंटमेंट एक पेज पे, इंटरनेशनल न्यूज़ एक पेज पे, नेशनल न्यूज़ एक पेज पे, ठीक है। तो पेज नंबर आप लोग लिखते जाइए, जितनी पेज आपको रिक्वायरमेंट लग रही है उतने पेज आगे छोड़ते जाइए, और ऐसे आपके कुछ पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर हम तो भूल जाते हैं जीके को, क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब जीके को भूलने का, नहीं भूलने का क्या तरीका है।
आपने कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आप लोग रोज पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 3 days, 7 days, 10 days, 15 days, or 30 days, ये चार प्लान में काम करना है आप लोगों को। यानी कि अगर आपने एक तारीख को कोई चीज पढ़ी तो आपको इस तरीके से सिस्टम बनाना है कि आपको 4 तारीख को फिर से पढ़ना है उसी को, फिर 4 के बाद में 7 दिन बाद में 11 तारीख को फिर से पढ़ना है आपको, फिर 11 के बाद में 10 दिन बाद में 21 तारीख को फिर से पढ़ना है आपको। बस पढ़ने में फिर 5 मिनट लगेंगे एक बार। 21 तारीख के बाद में आपको 6 तारीख को फिर से पढ़ना है और फिर नेक्स्ट 6 तारीख को फिर से पढ़ना है। तो ऐसे करके आपको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, 3 days, 7 days, 10 days, 15 days, 30 days, यानी 3 दिन बाद रिवाइज होना चाहिए, उसके 7 दिन बाद रिवाइज होना चाहिए, उसके 10 दिन बाद रिवाइज होना चाहिए, उसके 15 दिन बाद रिवाइज होना चाहिए, उसके 30 दिन बाद रिवाइज होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने ये पढ़ा है, इसके 3 दिन बाद में मेरे को ये रिवाइज करना है, उसके 3 दिन बाद में मेरे को ये रिवाइज करना है। तो दोस्तों ये सारा था जीके के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट सारी वीडियोस के लिए सभी एग्जाम्स के बारे में। और इसके अलावा अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम उनके ऊपर जरूर से काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।